Good morning children. In previous class we studied second lesson and that is a right to school. Okay. Now today we will discuss some hard words from the lesson. पिछली क्लास में हमने a right to school lesson पढ़ा था. आज हम उस lesson में से कुछ hard words को discuss करेंगे. And you have to write those words in your English copy. Okay. और उन कठिन शब्दों को hard words को आपको अपनी इंग्लिश कॉपी में लिखना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज हार्ड वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज स्कूल. SCHOOL. स्कूल. स्कूल्स यू ऑलरेडी नो. स्कूल्स तो आप जानते हो, आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हो. सेकेंड वर्ड इज TINA. टीना. सेकेंड वर्ड है TINA. टीना. टीना को तो आप जानते हो. टीना को उसकी मम्मी स्कूल जाने के लिए उठा रही थी इस लेसन में. थर्ड इज मॉर्निंग. MORNING. मॉर्निंग मीन्स सुबह. सुबह के वक्त को मॉर्निंग कहते हैं इंग्लिश में. फोर्थ इज WAKES. वेक्स. वेक्स मीन्स उठाना. टीना की मम्मी उसको उठा रही थी. टीनाज मदर वॉज वेकिंग हर. फिफ्थ इज MOTHER. मदर. मदर मम्मी को, ये माँ को मदर कहते हैं. सिक्स्थ इज READY. रेडी. रेडी मीन्स तैयार होना. तैयार होने को इंग्लिश में रेडी बोलते हैं. सेवन इज FATHER. फादर. फादर मीन्स पापा को या पिता को फादर बोलते हैं. एट इज BUS. बस. STOP. स्टॉप. बस स्टॉप. आप स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप जाते हो, बस पकड़ने के लिए. ओके. नाइन इज मोहन. मोहन. हु इज मोहन? मोहन इज द नेम ऑफ द हेल्पर हु वॉज हेल्पिंग द चिल्ड्रेन. मोहन कौन था इस लेसन में? हेल्पर था जो बच्चों को ऊपर चढ़ा रहा था. ओके. इलेवन. नाउ टेन इज हेल्पर. HELPER. हेल्पर. जो मदद करता है उसे बोलते हैं हेल्पर. मोहन जो था वो हेल्पर है इस लेसन में. मोहन हेल्पर है जो बच्चों को बस में चढ़ाने में हेल्प कर रहा है. इलेवन इज FRIENDS. फ्रेंड्स. फ्रेंड्स दोस्तों को क्या बोलते हैं? फ्रेंड. इलेवेंथ वन इज फ्रेंड्स. नाउ ट्वेल्थ इज चिल्ड्रेन. CHILDREN. चिल्ड्रेन. बच्चों को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रेन. थर्टींथ इज QUEUE. क्यू. QUEUE को प्रोनाउंस करते हैं क्यू. क्यू मीन्स लाइन, कतार. When you go for assembly, you go in a queue. आप जब बस में खड़े होते हो, आप कैसे खड़े होते हो? Queue में खड़े होते हो, लाइन में खड़े होते हो. 14th is CLIMB. Climb. Climb means चढ़ना. चढ़ने को बोलते हैं climb. 15th is ENJOYS. Enjoys. Enjoys means मजा करना, मस्ती करना, खुश रहना. 16th is REACH. रीच. पहुंचने को क्या बोलते हैं? रीच. 17th इज WAIT. वेट. 17th वर्ड है वेट. वेट मीन्स इंतजार करना, रुकना. 18th इज RIDE. राइड. राइड मीन्स सवारी. बस की सवारी, ट्रेन की सवारी से बोलते हैं राइड. Now children, today you, this is your homework. You have to write this in your English copy also. Now this much for today's session. In next session, we will do the exercises which are in this lesson. Okay? Now till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children. Oh dear.